देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। बुधवार को तबियत खराब होने की वजह से उनको अस्पताल में ले जाया गया था। उम्मीद थी कि सकुशल वापस लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुक्रवार सुबह खबर आई कि हीराबेन अब इस दुनिया में नहीं रही। अब जैसे ही ये खबर देशवासियों को लगी, हर कोई शोक में डूब गया और इस वक्त एहसास कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर क्या बीत रही होगी। इसी बीच नए नवेले विधायक हार्दिक पटेल ने नरेंद्र मोदी को सांत्वना दी है। हार्दिक पटेल लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के निधन पर गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। हीराबा का संघर्षपूर्ण एवं सात्विक जीवन सदैव प्रेरणा है, जिनके वात्सल्य एवं सत्य निष्ठा से देश को यशस्वी नेतृत्व मिला। तो देखा आपने कैसे हार्दिक पटेल भावुक होते हुए नजर आए और उन्होंने एक बड़ा बयान दे डाला। अपने ट्वीट में हार्दिक पटेल ने हीराबा को याद किया और बताया कि उनका जीवन कैसे संघर्षपूर्ण रहा है।